अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्याय उपाध्याय का। जनता की अदालत में आपका स्वागत है। जनता की अदालत में हम ऐसे लोगों को पेश करते हैं जिन्हें जनता प्यार करती है, दुलार करती है, मान और सम्मान देकर बड़ा बनाती है, ऊंची कुर्सी पर बिठाती है। फिर कभी कभी जनता ऐसे लोगों से उनके काम का हिसाब लेना चाहती है, उन पर इल्जाम लगाना चाहती है। पेश है आज का मुकदमा जनता की अदालत में। सबसे पहले जनता की अदालत में हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के जज मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस के रेजिडेंट एडिटर वीवी राव को। जनता की अदालत में आज का मुकदमा शुरू हो इससे पहले आज के जज बीबी राव की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू इससे पहले अनीता हमें बताएं ब्रीफ में पृथ्वीराज सिंह के बारे में। आज का ये विशेष मुकदमा एक ऐसे पुलिस अफसर पर है जिसने अपने छोटे से करियर में बहुत बड़े बड़े मुजरिमों पर हाथ डाला। मुंबई पुलिस में ACP रह चुके पृथ्वीराज सिंह ने जो कहा वो करके बताया। जनता की अदालत में पृथ्वीराज सिंह अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे और जनता की ओर से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे रजत शर्मा। और अब बारी है जनता की अदालत में हमारे आज के मेहमान की। आज हम मुकदमा चला रहे हैं मुंबई पुलिस में ACP रह चुके और स्पेशल पुलिस ऑफिसर पृथ्वीराज सिंह। ACP पृथ्वीराज सिंह हाजिर हो। शुरू होता है जनता की अदालत में पहला इल्जाम पृथ्वीराज सिंह पर। जनता की अदालत में पृथ्वीराज सिंह पर यह आरोप है कि ये मनमानी करते हैं। पृथ्वीराज सिंह जी, ये सही है कि आप 10 साल पुलिस डिपार्टमेंट में रहे और 14 बार आपका ट्रांसफर हुआ, आप किसी जगह टिक के नहीं रह सके? हाँ, ये सच है। और यह भी सच है कि आप जहां गए आपने लोगों को डराया, यहां तक कि आपके अपने डिपार्टमेंट के लोग आपके नाम से कांपते थे। आप किसी की सुनते नहीं थे, न छोटों की न बड़ों की, मनमानी करते थे हर बात में। हाँ, ये सच है कि जहां मैं जाता हूं लोग मुझसे कांपते हैं, क्योंकि मैं अपने पुलिस स्टेशन में कोई गैर कानूनी धंधे नहीं होने देता, ना रिश्वत खाता हूं और ना खाने देता हूं। सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार अपने सिस्टम में प्लेग की तरह फैला हुआ है और जहां करप्शन होता है वहां मैं खामोश नहीं रह सकता। आप पुलिस में थे, आपका काम था कानून की रक्षा करना, लेकिन आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया, कानून के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने आज तक कभी कानून को नहीं तोड़ा। क्या ये सच नहीं कि आपने दो निर्दोष लोगों की हत्या की,
दो निर्दोष लोगों पर गोली चलाई, उन्हें जान से मार दिया। वो निर्दोष नहीं थे, मुजरिम थे। पृथ्वीराज सिंह जी, मुजरिम कौन है, सजा किसे देनी है, किसने कानून तोड़ा है, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? सजा देना तो अदालत का काम है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जिन हालात में मैंने ये काम किया, मेरी जगह और कोई भी होता तो वो भी यही करता। कोई भी होता क्या मतलब है? आज आप जनता के सामने हैं, आप जनता को बताएंगे ऐसी क्या मजबूरी थी आपको हथियार उठाना पड़ा, हत्या करनी पड़ी, निर्दोषों को गोली मारनी पड़ी, उनकी जान लेनी पड़ी, ऐसा क्या हो गया था? मैं शोलापुर हेडक्वार्टर्स में डीएसपी हुआ करता था। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आए, मुझे गामदेवी पुलिस स्टेशन का चार्ज लेना था एज एसीपी। बुगड़ी माँ जी सांडली का ज्यादा रख रख उस, और उसको रख। ओ, मेरा स्टॉक है, कल के लिए रखा है यार। ए ब्रो, ए नीट साफ करना। अरे कोपरा गए, कोपरा कोपरा झाड़ून गया, नीट का है जालेगा। अच्छा बहुत अच्छी सफाई हो रही है, इसको उठाओ उठाओ। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी साफ करो। आज अचानक घर तो आला। युवे पांडो आ गया क्यों वापस? अरे सब आ गए, लेट आए इलेक्शन टाइम पे आए। ओके या शर्मा, न 15 अगस्त न 26 जनवरी न नवरात्र न दिवाली, फिर ये सफाई किस खुशी में हो रही है? हम लोग दुखी ना हो, इस खुशी में सफाई हो रही है। ये गधे ठीक से सफाई कर। हाँ, हाँ। चल 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 साफ कर। गोपी क्या साहब, सर दुख रहा है क्या? उतर दू क्या? गोपी चुप कर यार। क्या साहब, नहीं नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टाइम है क्या काम पे आने का? और कल से ठीक टाइम पे पुलिस स्टेशन में आ जाना। क्यों, मेरे टाइम पे आने से क्राइम बंद हो जाएगा क्या? क्राइम तो बंद नहीं होंगे, लेकिन आपकी वर्दी जरूर उतर जाएगी। कौन साला उतारेगा मेरी वर्दी? साले बहनोई मत करिए साहब, कल से हम सब का बाप यहाँ आ रहा है। बाप? हाँ, नया एसीपी पृथ्वीराज सिंह। मेरे एरिया में सब बड़े गुनेगारों की फाइल आज ही मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। यस सर। मेरी नजरों में रिश्वत देने वाले से ज्यादा बड़ा गुनेगार रिश्वत लेने वाला है, इसलिए आज से हफ्ता, रोजाना, महीना और जिस तरह से भी मिलने वाली ऊपर या नीची आमदनी हमेशा के लिए बंद। इज दैट क्लियर? यस सर। हमारे एरिया में कोई भी मेजर क्राइम हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मुझे दी जाएगी। यस सर। आप सब मेरे साथी हैं, मेरे कलीग्स हैं, इसलिए मुझे आप सब की कोऑपरेशन की सख्त जरूरत है। आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। मीटिंग अडजर्न्ड। चलो अंदर। तेरे को कितनी बार बोला लफड़ा नहीं करने का। अपनी नसीब पे पत्थर मार रहा था ऊपर वाले को। कहां से इस चैनिजर को लाके बिठा दिया आपने पुलिस स्टेशन में? बोलता है हफ्ता बंद, खाना पीना बंद। मॉर्निंग साहब। अरे पुलिस वाला हफ्ता नहीं खाएगा तो क्या घर जाके बीवी की गालियां खाएगा? साहब एक बात बोलो, बुरा नहीं मानना, भगवान जब अकल बांट रहा था ना, शायद आप दो नंबर पे गए होंगे। गोपी पहले बोला था बुरा नहीं मानना, कौन माइकल आला है साला पुलिस वालों का हफ्ता खाना बंद करेगा? मैंने तो सुना है आजकल पुलिस ट्रेनिंग में पहले क्या सिखाते, मजा करना। गोपी तू इस पृथ्वीराज सिंह को नहीं जानता, इसकी ट्रांसफर जिस पुलिस स्टेशन से होती है ना, वहाँ के पुलिस वाले इसके जाने के बाद भी साल डेढ़ साल तक हफ्ता नहीं खाते इसके डर से। डर से? डर मेरा गोपी जूता। सब मजाक छोड़ो, एक बात बताओ, कितनी पगार मिलती है पुलिस वालों को? जितनी हेड कांस्टेबल की तनख्वाह होती है ना, उससे ज्यादा चौराहे पे खड़े भिखारी की मंथली इनकम होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो, नौकरी से सस्पेंड कर देगा? करने दो। वैसे भी क्या है गवर्नमेंट के पास देने के लिए, मकान की स्कीम है, मकान नहीं है, पगार बढ़ाने का वादा है मगर खजाना खाली है। जाने दो ऐसे। तुम ठीक कहते हो गोपी, साला इस गवर्नमेंट से तो गुंडे अच्छे हैं, कम से कम उनकी कमाई से अपने बीवी बच्चे तो पलते हैं। और नहीं तो क्या, पृथ्वीराज सिंह साला ये जो ईमान के पुतले में से निकलकर हमारे पुलिस स्टेशन में आया है ना, पता नहीं उसकी बीवी उसको कैसे झेलती होगी। पृथ्वी, पृथ्वी खाना खा लो। तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। आज तक मैंने तुमसे पहले कभी खाना खाया क्या? अंजलि तुम देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद भी तो काम किया जा सकता है। खाना मैं कल भी खा सकता हूँ, नींद मैं कल भी पूरी कर सकता हूँ, लेकिन आज मुझे काम करना है।
अंजलि प्लीज लीव मी अलोन।
अंजलि फिर से वही रोना धोना। I'm sorry। चलो खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। इतना गुस्सा करोगी तो भूख अपने आप मर जाएगी। चलो ना अंजलि, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों? शादी करते समय तुमने कहा था जब तुम्हें भूख लगेगी मुझे भी भूख लगनी चाहिए। Come on अंजलि। देखो मैंने शादी पृथ्वीराज सिंह से की है, उसकी टंगी भी वर्दी से नहीं की। मुझे घर में अपना पति चाहिए, पुलिस अफसर नहीं चाहिए, 24 घंटे डांटते रहते हो। ओके सर, अब तो चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ठीक है तो आज हम दोनों व्रत रखते हैं। अंजलि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की कीमत ही क्या है? तुम हो तो मैं हूँ, मेरी सांसें, मेरी मोहब्बत। बस करो, तुम हमेशा प्यार से बातें करके मुझे मना लेते हो, लेकिन इससे तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ नहीं खत्म हो जाती। अरे कौन सी जिम्मेदारी? हेलो भैया, क्या कर रहे हो भैया? आपने खाना वाना खाया कि नहीं? ये आ गई तुम्हारी जिम्मेदारी। ये मेरी जिम्मेदारी? हाँ। तुम्हें होश भी इसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने को आई? इसकी शादी के बारे में सोचना है या नहीं? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अब क्या मैं आप लोगों पर बोझ बन गई हूँ क्या? शट अप आरती। सॉरी भैया। इस घर में सबसे ज्यादा हक तुम्हारा है। बिल्कुल। आइंदा इसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। अब चलो मैं खाना गर्म करती हूँ। मैं भी फ्रेश हो गया तो ये मेरी टेबल पे रख देना। ओके भैया। इकबाल पसीना? इकबाल पसीना कौन है? कितना अजीब नाम है। कोई होशियारी नहीं करेगा, सब मेरे इंस्ट्रक्शन से वेट करेंगे। अविनाश तुम मटके वाले के पास। यस सर। यादव तुम मेरे साथ चलो। जी सर। सचिन। यस सर। जैसे मेरे ऑर्डर्स मिलेंगे अटैक। ओके ओके सर। ओके ये नंबर लग गया, चलो अभी आगे बोल। ए, शाम को पैसे लेने आऊंगा। ए, चुप है। आवाज करता है। हंसता काहे कोई? ओए सत श्री अकाल पाजी, की हाल है प्राओ? चल पाना बोल। पाना पाना दे स्क्रू ड्राइवर, साडे ड्राइवर रख दे रे। ए चुप, एड़ा है क्या तू? नंबर बोल नंबर। ओ नंबर तो आप ही लिख दा यार, सानू तो अपने ट्रक का नंबर भी याद नहीं है। अच्छा अच्छा। जय राम जी की दारू वाले भैया, यहाँ दारू मिलेगी का? क्या रहे? कहाँ से आया तू? हाँ भैया अभी अभी बिहार से आते हैं, धारावी में नया धंधा शुरू कर रहे थे, जरा मदद कर दो ना भैया। कितना मांगता? दो चार पोटली दे दो। जा रहे, चार पोटला दे दे। भैया यहाँ वो सफेद परी मिलत है? अरे नहीं 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 नहीं, स्मैक स्मैक। वो हमारा दोस्त है उधर झोपड़े में, उधर मिलता। अच्छा अच्छा। ए मुरली माल लेके आ, भैया मैं आता हूँ। ए मुर्गन, ये लेना चिट्ठी, शाम को नंबर लगेगा तो दुगना तिगना पैसा लेके जाना, समझा? हाँ बोल, कितना माल चाहिए? एक 10-12 पूड़ी दे दो भैया। पैसा वैसा है क्या? हाँ पैसा तो बहुत है भैया। तो इधर ही रुक। ये लो जी, अभी आता हूँ मैं। जा जा जा। ये ले। अबे सूंघता क्या है, असली माल है। इकबाल पसीने के अड्डे पर घोटाला नहीं होता, समझा क्या? अरे माफ कर दो भैया। जयराम जी। अबे पैसा काहे का पैसा भैया? अभी अभी जो माल लिया ना तूने, उसका पैसा भैया? देखो भैया, अभी अभी तुमने कहा था कि ये धंधा इकबाल पसीने का है तो हम उसको पैसा देगा, तुमका नहीं। अबे शाणे, पहला पैसा इधर रख फिर माल लेके जाना, ये तो देता है कान के नीचे। अरे भैया पैसा तो हम नहीं देंगे। हाँ क्या हुआ रे धनिया? देख ना साला छाड़पति कर रहा है, 10 पूरी माल लिया पैसा नहीं दे रहा है। तो देखता क्या है, देख कान के नीचे।
कौन अब्दुल? अब्दुल उधर कुछ नहीं जानता, माल निकल, चले चले माल निकल वाले कौन इधर जाले चल। कितना मारेगा, पैसे ही तो मांग रहा था। मैं तुझे इसलिए मार रहा हूँ ताकि इस एरिया में पता चल जाए कि एसीपी पृथ्वीराज सिंह ने चार्ज दिया। और बोल देना अपने एक बार पसीना को कि ये धंधे बंद कर दे वरना जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। कल 10 बजे उसे पुलिस स्टेशन में आना है, समझा? समझा, बोल देना उसे भैया। सलाम, आओ। बंदे को इकबाल पसीना कहते हैं, 10 बजे का टाइम दिया था, ठीक 10 के ठोके पर अंदर आया हूँ। बैठो, ये जो कुर्सी तेरे को दिख रही है ना, ये बैठने के लिए, चल बैठ। शुक्रिया होना। ये हवलदार? हाँ सर, जी सर। चाय दे क्या? गरम। आउट। ये जो तेरे दारू के धंधे, मटके के धंधे, ड्रग्स के धंधे, सब मैंने बर्बाद किए हैं। इसके बारे में तुझे कोई शिकायत है तो बोल। मैंने अपना धंधा किया और तुमने अपना काम किया मियां, हिसाब में बराबर। मेरा नाम एसीपी पृथ्वीराज सिंह है। मैं अपने एरिया में पहले गैर कानूनी धंधे बंद करता हूँ और फिर धंधे करने वालों को। पुलिस स्टेशन के अंदर मेरा एनकाउंटर करेंगे भाई या बाहर चले? बेफिक्र, जिस दिन मुझे तेरा एनकाउंटर करना होगा ना एक बार, तो मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा तुझे। आज मैं तुझे सिर्फ समझाने बुलाया हूँ कि अपने उजड़े हुए धंधों को बसाने की कोशिश मत करना। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया होना साहब, चलो धंधे का टाइम होना। एक बात सुनते जा, अगर तूने धंधा शुरू किया ना तो तेरे ही एरिया से तेरी नंगी बारात निकालूंगा मैं। इकबाल पसीना के जिस्म से तो सिर्फ पसीना निकलता है साहब, लेकिन लेकिन आज आपने ऐसा मजाक किया कि आंखों से आंसू आ गए साहब। जिसने आपके एरिया में धंधा नहीं किया ना साहब, उसकी जिंदगी पर तो लानत होना, लानत होना। शुरू कर धंधा इकबाल, जरूर शुरू कर, लेकिन धंधा शुरू करने से पहले तेरी जहां जहां भी पहुंचे ना, उन सब से मेरी रिपोर्ट मांगा लेना। अगर किसी एक ने भी मेरे एरिया में धंधा शुरू करने की सलाह दी ना तुझे, तो वर्दी की कसम तेरे धंधे का रिबन काटने में खुद आऊंगा। भाई वो अफसर होगा तो अपने थाने का, लेकिन आपने उसकी इतनी बड़ी बात आखिर सुन कैसे ली? डर नहीं है उसे, किसी का खौफ नहीं है, मौत तो मजाका है उसके लिए। याद रखो, जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी से डरो जिसे मौत का डर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट, भाई लोगा, होम डिपार्टमेंट, हमको सबका खबरा मिला। बेबाक, बेखौफ और जबान का पक्का आदमी हो ना वो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ए इधर। दारू पी के ड्यूटी पे आता है? रोज पीता हूँ, आपको आज पता चला। तेरा नाम क्या है? हेड कांस्टेबल गोपीनाथ सुरुए पाटिल। कल से अगर ड्यूटी पर दारू पी के आया ना तो सस्पेंड कर दूंगा। कल के लिए टाइम नहीं है अपने पास, करना है तो आज इसी वक्त करो। दारू नहीं पीता हो तो अपना हाथ नहीं चलता, पैर नहीं चलता, दिमाग की तुम तो... बड़े हक से बोल रहे तू,
सच बोलने का हर आदमी को हक होता है ना साहब। वैसे क्या रखा है इस घटिया नौकरी में? घर में माँ है, बाप है, बीवी, बच्चे, दो भाई। जितना पगार मिलता है ना एक हेड कांस्टेबल को, उसमें से घर का चूल्हा तो जलता है पर उसके ऊपर पकता कुछ नहीं। जब से आप आए सबका हफ्ता बंद करवा दिया है, सबका। मैं हफ्ता लेता हूँ साहब, आपके वार्निंग के बावजूद भी हफ्ता लेता हूँ, आइंदा भी हफ्ता लूंगा, भले आप मुझे सस्पेंड करवा दो। मैं अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करूंगा, अंडरवर्ल्ड। फिर मुझे सब लोग गोपी भाई बोलेंगे। गोपी भाई सलाम, गोपी भाई सलाम, सलाम गो गो पी पी। 32, 33, 34, 35, 36। ये क्या, इसमें तो 1000 रुपए कम है। बात यह है अंजलि, अपने डिपार्टमेंट में एक हवलदार है। अरे गोपी, बहुत बड़ी फैमिली उसकी। और तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब हवलदारों को बराबर की सैलरी मिलती है या सिर्फ उस हवलदार को कम मिलती है? अंजलि, तुम अपनी ड्यूटी में इतने इन्वॉल्व क्यों रहते हो कि सारे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहते हो? अगर तुम्हारे साथ काम करने वालों की सैलरी कम है तो उसकी कंप्लेंट जाके तुम गवर्नमेंट से करो। अरे कूल डाउन अंजलि, यू सोच लेना कि इस महीने से मुझे 1000 रुपए कम मिलने लगे। मैं बहुत समझ चुकी तुम्हें, ये बचे हुए रुपए भी अपने हवलदारों में बांट दो। तुम्हारे पैसे बांटने से उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। हाँ, एक दिन अपनी प्रॉब्लम जरूर बढ़ जाएंगी। अंजलि, मैं जानता हूँ तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अंजलि प्लीज, प्लीज मुझे मनाने की कोशिश मत करो। सीज फायर पीस। आप लोग लड़ाई बंद कीजिए और बर्थडे की तैयारी शुरू कीजिए। बर्थडे की तैयारी? भैया नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, आपको याद भी है कि नहीं? भैया मेरे बर्थडे पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे? जो तू मांगे। आप मेरे बर्थडे पार्टी के दिन सिर्फ प्रेजेंट रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेजेंट होगा भैया। ओके। आरती, तुम्हें दुनिया में कोई भी तोहफा मिल सकता है, लेकिन तुम जो मांग रही हो ना, वो मिलना इम्पॉसिबल है। व्हाट डू यू मीन इम्पॉसिबल है? तुम बर्थडे की तैयारी करो 8 बजे, ठीक 8 बजे मैं तुम्हारे बगल में खड़े रहकर केक काटूंगा। ओके। हाय आरती, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। हाय भाभी। हेलो। आरती, तुम्हारे भैया नहीं आने वाले। सारे मेहमानों के जाने के बाद केक काटोगी क्या? भाभी, जब तक भैया नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी, चाहे पार्टी खत्म हो जाए या कल सवेरा हो जाए। क्या हो गया सर? अरे गाड़ी खराब हो गई है, मुझे घर पहुंचना था 8 बजे, मेरी बहन का बर्थडे, लेट हो जाऊंगा। तो चलिए सर, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें काम नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। आरती जिद नहीं करते, मैं तुम्हारे भैया को जानती हूँ, किसी काम में फंस गए। चलो केक काट लो, मेहमानों को खाना भी तो खाना है। तो मेहमानों को खाना खिला दो भाभी, जब तक भैया नहीं आएंगे मैं केक नहीं काटूंगी। और काटना भी नहीं चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया के बगैर तू केक काटे। हाँ भैया, इज दिस द टाइम टू कम? अरे आ तो गया हो ना, पहली बार किसी फंक्शन में पहुंचा। यू बेट। अच्छा चलो चलो केक काटते। अरे आई एम सॉरी, ही इज माय जूनियर अविनाश। हेलो। हेलो। शी इज माय सिस्टर और ये मेरी बीवी। हाय अविनाश, आओ। समय चलो। नहीं नहीं, खाना वाना खा के चलो। हाँ बिल्कुल चलो। चलो चलो केक काटो। आओ, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday dear Aarti. Happy birthday to you. अब केक वेक कट गया, गाने का कोई बंदोबस्त है कि नहीं? जी हाँ, बंदोबस्त तो है। सुखविंदर आए कि नहीं?
माना गजब की है तेरी जवानी संभल वो न जाए कहीं पानी पानी ये माना गजब की है तेरी जवानी संभल वो न जाए कहीं पानी पानी क्यों वो अपनी डगर भूल जाए नशीली नशीली है तेरी अदाए जो देखे वो अपनी डगर भूल जाए मुझे आज छूकर बना ले मुकद्दर जो मेरी आंखों में डूबे पाराने लग जाए ओ अरे पल खान खत्म हो गया यहीं बैठना चलो चल के अच्छा खाना खाते ओके वो भी साथ साथ फॉर अ चेंज हाँ चलो चल साहब वो होटल इंपीरियल कोर्ट में रेप हुआ है वायरलेस पे मैसेज आया है चलो आप रुकिए सर मैं संभालता हूँ नहीं ड्यूटी इज ड्यूटी जी तुम लोग खाना खा लो ये रूम एनिमल्स एम्बुलेंस बुलाओ ठीक हो yes, गोपी बयान नोट करो क्या नाम है तुम्हारा गीता नायक देखो गीता केस रजिस्टर करने से पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ आर यू श्योर तुम ये केस रजिस्टर करना चाहती हो yes, sir. देखो नॉर्मली पुलिस केस रजिस्टर तो कर लेती है मगर रेप केस में कोर्ट के सामने विक्टिम अपना बयान बदल देता है मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ सर हमारे पास इज्जत की सिवा और है क्या मैं उन लोगों को सजा दिलवाना चाहती हूँ सर कौन थे वो लोग एक तो मेरा बॉस रोहित गुप्ता और दूसरा उसका दोस्त अंबर तुम होटल कैसे पहुंची मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही थी इतना मेरे बॉस का फोन आया और कहने लगा टर्निटी बिल्डर की फाइल इंपीरियल होटल में लेकर आ जाओ सर
आपकी मंगवाई हुई फाइल्स लाई हूँ सर। लाइए तो रख देना उधर। सर मैं चलूं? माय नेम इज़ अंबर। याद है उस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस में आया था? देखिए मैं ऑफिस में काम करती हूँ, वहाँ पे कौन आता है कौन जाता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गीता मुझे तुम्हें ध्यान से देखने दो। गीता जो हेल विद यू, देखो देखो मुझे छोड़ दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला चीख चीख साली जोर से चीख चीख जोर से। I'm sorry गीता, मैं तुम्हें कोई दुख देना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो गीता। दारू पी लो, लो दारू पी लो, लो दारू पी लो। मैंने भी दी। दारू पी लो गीता, एक बार कंप्रोमाइज करने के बाद जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लोगी। वो लोग जानवरों की तरह मुझे नोचते रहे खरोचते रहे, दर्द के मारे मुझे होश नहीं रहा, और जब होश में आई तो हॉस्पिटल में थी। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी। ये स्टेटमेंट पे साइन करो। यस सर। साहब एक रिक्वेस्ट है साहब, आप उन्हें छोड़िएगा नहीं साहब, उन्हें मत छोड़ना साहब। खोल दे पहले बोता, तू साला जानता मैं कौन हूँ, अंबर को हाथ लगाएगा तू? मत दे इसका अंजाम, गाली मत दे, चल तू चल चल। मुझे पहले बोल दो, हाथ हाथ छोड़ मेरा, है चल 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 सब साथ के सामने चल, हाथ मत लगा रहा मुझे, हाथ काट के रख दूंगा साला तेरा मैं, तू जानता मैं कौन हूँ, जानता साला मैं कौन हूँ? अबे साले तेरे बेल का पट्टा बनवा के मेरे कुत्ते को पहनाऊंगा मैं। शट अप, हथकड़ी खोलो, खोल जल्दी खोल। साले पुलिस इंस्पेक्टर को मारा तूने, मुझे मारा, वर्दी के दम पर बहुत फुदक रहा है तू, तेरे कंधे पे लगे हुए सितारे उतार कर गटर में फेंक दूंगा मैं, तेरे कपड़े उतार कर तुझे नंगा पुलिस स्टेशन से घर भेजूंगा ना, तब तुझे पता चलेगा मैं कौन हूँ। मेरे सितारे उतारेगा तू? हाँ हाँ उतारूंगा, मार। ये ऑफिसर का पट्टा उतार के कुत्ते के गले में पहनाएगा तू? हाँ पहनाऊंगा, मार। मुझे नंगा घर भेजेगा तू? हाँ भेजूंगा, मार 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 साले मार, हर बार की दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे, मार। मेरी दुगनी कीमत वसूल करेगा तू? हाँ हाँ चल गिन, एक दो तीन चार पांच छह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस इक्कीस चौबीस। भूखा प्यासा रखो साले। ओके सर, मैं भी देखता हूँ कौन आता है इसको छुड़ाने के लिए। जल्द 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 सीधा सर
अभी तेरा दिमाग ठीक करता हूँ। क्या बात कर रहा है? पापा, अंकल, तू चुप बैठ रहे। कौन है रे वो सुअर जिसने मेरे बेटे को अंदर किया है? कौन है वो हरामी कुत्ता जिसने अपने मालिक को काटने की कोशिश की है? अब बोलती बंद क्यों हो गई सबकी? साले चोरों, अब चुप क्यों हो? बोलो कौन है वो? मैंने अरेस्ट किया आपके बेटे को। तेरे अंदर बहुत गर्मी है क्या जो सीएम के बेटे को हवालात में डालेगा? आपके बेटे ने बलात्कार किया है। एंड बाय द वे, रेप इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अंग्रेजी में मत भौंक मेरे सामने, जमीन से जुड़ा आदमी हूं मैं। चल छोड़ दे मेरे बेटे को। आपके बेटे की चार्जशीट बन चुकी है, उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। तूने चार्जशीट बनाई कैसे? चल चार्जशीट फाड़ डाल, नहीं तो नक्सलाइट बेल्ट में ट्रांसफर कर दूंगा। घर वालों को देखने को तरस जाएगा। 10 साल की नौकरी में 14 बार ट्रांसफर हो चुका है मेरा, इसलिए फैसला आपको करना है। मुझे उठाकर जंगल में फेंकना है या अपने बेटे को हवालात से निकालना है? साले पुलिस के पिल्ले, मैं तुम्हें पगार देता हूँ। आज तू मुझे ही काटने आया है? एडवोकेट साहब, इन्हें कहिए कि अपना हाथ खींच ले, वरना पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मैं इन्हें अंदर भी कर सकता हूँ। साले गटल की औलाद, तू तू मुझे अंदर करेगा? मुझे? सर प्लीज, सर प्लीज, आप अपने गुस्से को काबू में रखिए सर प्लीज। आई एम सॉरी ऑफिसर, मैं अंबर की जमानत के कागजात जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। आइए सर प्लीज, प्लीज। पापा मुझे यहाँ से बाहर निकाली, ये सीपी जल्लाद है, मुझे जानवरों की तरह पीटा उसने। रामखोर, तुमने ये सब किया क्यों? सॉरी पापा, गलती हो गई। ठीक है रोना मत। मेरे बेटे को 3rd degree दी है तुमने, वो क्या माफिया लीडर है या अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसका? वो बदतमीज है जो अपनी बाप की कुर्सी के धौंस से सबको डरा के रखना चाहता है। लेकिन जो भी मुझे डराने की कोशिश करेगा ना, उसका हाल मैं वैसे ही करूंगा। बहुत गर्मी है तेरे खून में, तू देखना पूरा पुलिस डिपार्टमेंट देखेगा। तू ये वर्दी पहनकर मेरे पैरों पे सिर रख के गिड़गिड़ाएगा और तब मैं तुझे सिर्फ ठोकरों से मारूंगा। ये वर्दी किसी की बाप की दी हुई चीज नहीं है, इसलिए किसी की जागीर नहीं है। जिस दिन पुलिस और फौज तुम लोगों की रखेल बन जाएगी ना, उस दिन ये सारा मुल्क एक रंडी खाना बन जाएगा। और जैसे चकले चलते हैं ना, उसी तरह तुम इस देश को बेच डालोगे। ए बंद कर भाषण, बहुत हो चुका, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मेरा जो कुछ भी करना है वो बाद में सोचिए, पहले जो भी करना है अपने बेटे के लिए कीजिए। नाउ प्लीज गो। पापा प्लीज कुछ कीजिए पापा। शेर है तो क्या हुआ, टाइगर तो भारी पड़ेगा ना। हा हा हा। एक चरित्रहीन पिता का बेटा चरित्रवान कैसे हो सकता है? बाबूराव जी देशमुख ने मुख्यमंत्री की गरिमा और उसकी छवि को जिस तरह से घुमिल किया है, यह उसी का नतीजा है। उन्होंने गरीबों और मध्यमवर्गियों पर बोझा लादकर अपनी तिजोरियां भरी है। अब ऐसे आदमी का बेटा सिर्फ बलात्कार ही कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया है इस राज्य को इन असामाजिक तत्वों से छुटकारा देने का। लगाओ, मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख को फोन लगाओ। मुख्यमंत्री महोदय जी का ऑफिस। संभाजी यादव बोल रहा हूँ, बाबूराव जी को फोन दो। बोल कुत्ते, बहुत खुश हो गया ना तू? हैं? अब तो मौका भी मिल गया तुझे मेरे ऊपर भौंकने के लिए। कैसी बातें करते हैं आप बाबूराव जी? देखिए बाबूराव जी, आप मुख्यमंत्री पद पर हैं, आपका व्यवहार शिष्ट और शालीन होना चाहिए। अरे हरामी, अब मुझे तुझसे तमीज सीखनी पड़ेगी। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग करके अपने बेटे को बचाने की कोशिश मत करना बाबूराव जी। तू देख संभाजी, कल मैं अपने बेटे को छुड़वा लूंगा। आप अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा जमानत दिलवा देंगे, मगर क्या उससे उसका पाप और उसका अपराध मिट जाएगा? बाबूराव जी, मैं एसीपी पृथ्वीराज सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो आपके बेटे को सजा दिलवा कर ही रहेगा। अबे फूंकनी के, तू भूल रहा है, होम मिनिस्ट्री भी मेरे पास है। साले को ऐसी जगह फेंकूंगा, शहर देखने को तरस जाएगा।
ये भूल मत करना बाबूराव जी, क्योंकि जहां सत्य है वहां विजय है, और एसीपी पृथ्वीराज सिंह की कार्रवाई के बीच में आने का प्रयत्न भी मत करना, क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए मैं बीच में खड़ा हूं। अविनाश। यस सर। उन दोनों को बाहर ले आओ। जी सर। क्या जमाना आ गया, आज अदालत की छुट्टी है और आप मैजिस्ट्रेट से बेल ऑर्डर भी ले आए। अरे 50 केस तो मैं जानता हूं जहां 1 घंटे में बेल हो सकती है, और वो लोग बेचारे सालों से सड़ रहे हैं जेल में। तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूं मैं, अपने क्लाइंट को छुड़वाने आया हूं। आप इन्हें बेशक ले जाइए वकील साहब, लेकिन एक बात याद रखना, मैं उस मासूम लड़की को इंसाफ दिलाऊंगा एट एनी कॉस्ट। चलो चलो। वो लड़की नहीं टूट रही सर, केस तो रजिस्टर हो गई। साला पृथ्वीराज, कब चार्जशीट दाखिल कर रहा है वो? जल्द से जल्द, ताकि जैसे ही वो लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो वो अंबर के खिलाफ अदालत में खड़ी। मार डालो उस लड़की को। हाँ हाँ, मार डालो उसे। तू मुंह बंद रख कुत्ते। मार डालो। मगर कैसे होगा सर, पुलिस प्रोटेक्शन है वहां पर। रुपया खिलाओ पिलाओ नहलाओ, रुपए से पूरा अस्पताल खरीद डालो, लेकिन उस लड़की को खत्म कर दो। आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। वो लड़की मेरी पेशेंट है, उसकी जान लेकर मैं अपने पेशे को गाली नहीं दूंगा। यू प्लीज गो अवे, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बुलाइए पुलिस को, बुलाइए। वही पुलिस यहां आकर आपको यहां से नीचे फेंक देगी। हा? जी, और ये सुसाइड का केस होगा। बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए डॉक्टर, आपको इतना रुपया मिलेगा कि आप किसी दूसरे शहर में जाकर खुद का अच्छा सा क्लिनिक खोल सकते हैं। हम लोग भले लोग हैं डॉक्टर साहब, हमें पॉलिटिशियंस के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। गुड। मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है। मैं अस्पताल से 2 घंटे के लेकर गया था, इसी बीच में उन लोगों ने मेरी बेटी गीता को मार डाला। गीता, गीता। डॉक्टर कहते हैं उसने जहर खाया था, लेकिन मैं पूछता हूँ उसके पास जहर आया कहाँ से? कहाँ से आया? कहाँ से आया? मेरा बेटा 12वीं में पढ़ रहा है, पूरे घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर थी, लेकिन उसको मार डाला साहब। उन लोगों को छोड़ना नहीं साहब। एक बूढ़े बाप की प्रार्थना है आपसे, उनको सजा दिलवाना साहब। दुआ मिलेगी आपको, दुआ मिलेगी।
अंजलि, अंजलि, ये कौन सा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तुम पृथ्वी, जिसकी वजह से हम खौफ और दहशत में जी रहे हैं? बात क्या है अंजलि? बात, सुबह से टेलीफोन पर धमकियां दी जा रही है मुझे, कभी मुझे मारने की बात करते, कभी तुम्हें और कभी। देखो पृथ्वी, मैं ये नहीं जानना चाहती ये केस क्या है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ इस केस में से तुम अपना हाथ खींच लो। क्यों अपना हाथ खींच लो अंजलि, क्यों? कानून कोई इनकी पाली हुई रंडी या रखेल नहीं है जो इनके इशारों पर चले। तुम ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते किसी और जगह? ट्रांसफर लेने से मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। देखो अंजलि, ना मैं डर के जी सकता हूं ना दबके। एक मिनट, पृथ्वीराज सिंह है। एसीपी साहब, क्या सोचा है मियां बीवी ने मिलकर? अरे अपने अंबर का केस खत्म कर दो ना, ये खून खराब अच्छा लगता है क्या? एक कुतिया की जने, फोन पे क्या धमकी देता है, सामने आकर बात कर तेरी मर्दानगी है ना पेट में घुसा दूंगा। एसीपी, तू पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी करेगा या रात दिन अपनी बीवी के साथ रहेगा? और फिर तेरी बहन भी तो है, जरा अपनी बीवी से तू पूछ कि इस वक्त तू कहां पर है। हेलो हेलो, आरती कहां? क्यों? मैंने पूछा आरती कहां है? बाहर गई है। क्यों बाहर जाने दिया तुमने उसे? क्यों? तुम्हारी वजह से हम लोग हंसना बोलना घर से बाहर निकलना बंद कर दे। सरकार की नौकरी तुम कर रहे हो और उसका बोझ उठाकर हम जिए, कौन से कानून में लिखा है ये? अंजलि प्लीज, प्लीज बताओ आरती कहां है? लीला की पार्टी में गई है। क्या कि सर, आरती सर। भैया मैंने ही अविनाश को अपने साथ आने के लिए कहा। क्यों सर? वो मैं आरती से प्यार करता हूँ सर। सर मैं आपको बताने वाला था। ये सब कब से चल रहा है? मैंने अविनाश को अपने जन्मदिन वाले दिन पहली बार देखा। एंड सिंस देन। तुम्हारे घर वालों को मालूम है? सर सालों पहले मेरे माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए। तो शादी की बात तुमसे करनी पड़ेगी। यस सर, आई मीन नो सर, सॉरी सर। क्या यस सर नो सर सॉरी सर? चलो घर चलते, अंजलि को ये खुशखबरी सुनाएंगे। भैया मगर भाभी को तो इस बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा, घर में सबको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। चलो। इसका मतलब है भैया भाभी ने आपसे वो वाली खुशखबरी भी छुपा ली। कौन सी? कांग्रेचुलेशंस, आप डैडी बनने वाले हैं। What? Sit, sit. Everything is fine, Mr. Singh. सिर्फ प्रेशर थोड़ा हाई है, इसलिए ये ख्याल रखना है कि अंजलि को किसी तरह की टेंशन ना हो। ख्याल रखूंगा डॉक्टर। That's good. मारो मत भैया, मारो मत। दो ही दिन से धंधा नहीं हुआ तो तुम सबको हफ्ता कहाँ से देंगे? तेरा धंधा नहीं हुआ तो इसमें हमारी गलती है साले, हैं? कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आप यहाँ बैठे, बहुत सारे हम गुंडागर्दी चालू है, आप कुछ करते क्यों नहीं? रोज का पछड़ा है ये, हमारे पास यही काम नहीं है कि गुंडों से लड़ते रहे। लेकिन तुम देख भाई, तेरे को रहम आता ना तो जाके बचा ले उसको। देखता क्या बे, जाना अपने घर जा, सबको खाने का माने दे। प्रीति कहाँ जा रहे हो? अंजलि तुम दोनों गाड़ी में बैठे। मगर अंजलि प्लीज, आरती ले जाओ उसे। क्यों मारता है इसको? शाने निकाल यहाँ से, वरना डाल दूंगा इधर ही। बुलाना मत मार इसको। सुन लो सब लोग, आज के बाद कोई हफ्ता देने का नहीं, समझा?
ए, तो तू देगा हफ्ता, चल निकाल हफ्ता, दे हफ्ता। तू एक एरिया का दादा है, यहाँ मारपीट करेगा साले, गुंडा एक्ट में अंदर कर दूंगा, सड़ने के बाद बाहर निकला, समझे? ये है ना, ये बेल्ट उतारूंगा तेरी, ये वर्दी उतार कर घर पहुंचा दूंगा तेरे को, जानता मैं कौन हूँ? ये देख, एसीपी पृथ्वीराज सिंह। सर सॉरी, तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ये आम जनता गुंडों से ज्यादा पुलिस वालों से डरती है, समझा? नाउ गो एंड अरेस्ट देम, चल। चोरी करता है साला, गरीबी का बहाना बनाकर नौकरी मांगता है और नौकरी मिलने पर चोरी करता है साले। बोल क्या हुआ? बोल साले, बोल साहब के सामने, बोल। मारना मत इसको, बोल क्या हुआ? साहब ये मेरे घर का नौकर है, इसने मेरे बीवी की अंगूठी चुराई है। बोल साले, बोला ना मत मार, नहीं तो दूंगा एक कान के नीचे। तेरे पास क्या सबूत है कि इसने चोरी की? साहब इसके भरोसे पे हम घर छोड़ के पिक्चर देखने गए थे, वापस आए ना तो लॉकर में से अंगूठी गायब थी। तूने चोरी की? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। देख सच बोल, तूने चोरी की? भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तूने चोरी की? नहीं साहब। मां कसम साहब, मैंने चोरी की, मुझे मत मारो। मैंने चोरी की साहब, मुझे मत मारो। माल कहाँ छुपाया तूने? बिल्डिंग के नीचे इलेक्ट्रिक रूम है, उसके मीटर बॉक्स के ऊपर रखा है साहब। जी साहब, इनके साथ जाओ, माल बरामद करो और रिपोर्ट दर्ज करो। चलो। देखा, इसे कहते हैं कलयुग, कलयुग। साले तेरे, चल चल निकल यहाँ से। मारना नहीं साहब, मारो मत साहब। चुप चुप, ये ले मुंह पूछ ले। क्यों की चोरी तूने? माँ बहुत बीमार है साहब, टीबी है उसे, दो साल से नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए एडवांस मांगा तो जूते से बहुत पीटा साहब मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, ये देखो डॉक्टर की पर्ची, डॉक्टर ने बोला माँ को दवा देना जरूरी है, नहीं तो माँ मर जाएगी साहब। ये बोलता जी, ये ले दवा लेके। जी सर, इसके घर पे पहुंचा दे। नहीं साहब, मेरी माँ को मत बताना मैं जेल में हूँ, नहीं तो मर जाएगी साहब। उसे मालूम नहीं पड़ेगा और कल तेरा बेल भी हो जाएगा, समझा? लेकिन साहब नौकरी मेरे घर पे कर लेना। सचिन, गरीबी बहुत बड़ा शाप है साहब, हरामी शेठ है असली गुनहगार, उस मासूम बच्चे को मजबूर किया चोरी करने के लिए, सजा तो उसको मिलनी चाहिए, उसकी माँ। गोपी सर। हाँ। हेडक्वार्टर से आपके नाम का लेटर आया। जाओ। क्या हो गया साहब, ट्रांसफर ऑर्डर आ गया ना? हाँ गोपी। साहब पुलिस डिपार्टमेंट की आपको दाद देनी पड़ेगी, एक्चुअली आपकी ऑर्डर थोड़ी लेट ही आ गई। जिस दिन सीएम के बेटे को आपने गिरफ्तार किया ना, उसी दिन आपकी ट्रांसफर ऑर्डर आनी चाहिए थी, उसी दिन उस बलात्कारित लड़की को मौत आनी चाहिए थी, क्योंकि देश में शांति ही शांति आने के लिए यह सब जरूरी है। जब शांति होगी तब तरक्की होगी हमारी, इस देश की। अब देखो जो चल रहा है वो अंधों की तरह, सुनो सुनो पैरों की तरह बोलो, लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए, जबान काट दी जाएगी। तीन बंदरों की तरह जी रहे हैं हम, तीन बंदरों की तरह शंड। लेकिन जरूरी है,
जरूरी है। पॉलिटिशियंस देश की तरक्की करना चाहते हैं। तरक्की के लिए तब्दीली की जरूरत है, तब्दीली के लिए तबादले की जरूरत है, आपकी ट्रांसफर की जरूरत है। ट्रांसफर हो गई, थैंक यू वेरी मच गोपी, गो एंड पी। साहब मेरा भाषण खत्म हो गया। गोपी तूने जो भाषण दिया है वो सही है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या करेंगे साहब आप? स्टे ऑर्डर लाऊंगा गोपी। क्या स्टे ऑर्डर लेने तुम उसी मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे जिसने चीफ मिनिस्टर के बेटे की जमानत की थी? अंजलि तुम नहीं जानती, आज अदालत के डर से सरकार भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, मुझे स्टे ऑर्डर मिलेगा। कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा साहब? क्या बात करते हैं, कैसा स्टे ऑर्डर मिलेगा? अरे गोपी तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ एसीपी पटवर्धन ने चार्ज ले लिया साहब। पटवर्धन ने चार्ज लिया अभी इतनी रात को? हाँ हाँ साहब। क्या हुआ? होगा क्या, सीएम का बेटा छूट जाएगा। पटवर्धन जैसा करप्ट ऑफिसर पूरे स्टेट में नहीं है अंजलि। सीएम का पालतू कुत्ता है वो। क्या करेगा वो? सीएम के बेटे की चार्जशीट जब अदालत में रखी जाएगी तो उसमें आरोप लगाया जाएगा कि मैंने विदाउट प्रूफ उसके बेटे को अरेस्ट किया था, क्योंकि सबसे पहले पटवर्धन उस लड़की की फाइल में हेर फेर करके स्टेटमेंट फाड़ देगा। होगा तो फाड़ देगा ना। फाइल कीजिए और अक्सर ओरिजिनल स्टेटमेंट मैं साथ लाया हूँ। क्या साहब, मैं दारू पीता हूँ, अब तक आता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। फाइल का इम्पोर्टेंस मैं जानता हूँ। फाइल और स्टेटमेंट मुझे दे दो गोपी। साहब आप डायरेक्ट एसीपी डीसीपी डीएसपी बन के आते हैं, नीचे की उठा पटक आप नहीं जानते। आप मेरे जैसा गलत सोचना सीखो, आपके काम आएगा। उस स्टेटमेंट ढूंढने पहले आपके पास आएंगे, आपसे ज्यादा उस स्टेटमेंट मेरे पास शेप है। थैंक यू गोपी। थैंक यू मत बोलिए साहब, इतने सालों से पुलिस में काम कर रहा हूं, पहली बार कोई काम करके दिल में खुशी हुई, पहली बार किसी ईमानदार सच्चे ऑफिसर को देख रहा हूं। आपकी इज्जत करने का दिल करता है साहब, साहब दिल से। सब पेपर्स है, सब पेपर्स है, सिर्फ वो लड़की का स्टेटमेंट गायब है। अरे ढूंढो कुत्ता ढूंढो। सर सभी फाइलें चेक की, लगता है वो स्टेटमेंट पृथ्वीराज सिंह अपने साथ ले गया। अगर स्टेटमेंट नहीं मिला ना भड़वाओ तो तुम सब सस्पेंड हो जाओगे, सब सस्पेंड हो जाओगे साहब। ए पाटिल ऊपर की फाइल ढूंढ, ऊपर की। साहब पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। एक मिनट रुक। साहब पानी पिला दो ना साहब। हेलो एसीपी पटवर्धन। ए चिल्ला मत सुअर, बाबूराव देशमुख बोल रहा हूँ। सॉरी सर। क्या हुआ? सर वो लड़के का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से अंबर का छूटना। वहां किसने भेजा तुझे टकले? ये स्टेटमेंट की बहानेबाजी मत सुना, नहीं तो शर्मा ब्राइबरी केस, गोखले इंक्वायरी कमेटी, सामंत एनकाउंटर, सारी फाइलें खुलवा दूंगा, बची खुची जिंदगी जेल में काटेगा कुत्ते। चल रख फोन। साला पॉलिटिशियन लोगों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। साला इन लोगों का काम ना करो ना तो पतलून उतारकर नंगा घुमाएंगे नंगा। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुत्ते ने ऑर्डर दिया है इसके लड़के को छुड़ाओ, अगर नहीं छुड़ाया ना तो हम सबकी मां बहन एक हो जाएगी। ओ साहब, साहब थोड़ा सा पानी पिला दो ना साहब, बहुत प्यास लगी है। अरे कब से पानी मांग रहा है, पानी पिला इसे। ए सावन पानी पिला ना उसको। जी सर। क्यों ला रहे इसे? चोरी का केस है सर। साले का मुंह क्यों सूझा है? पृथ्वीराज सिंह ने मारा है। किसने मारा? पृथ्वीराज सिंह। डिटेंशन मिले इसे। मारो मत साहब, माँ बहुत बीमार है साहब, टीबी है उसे। डॉक्टर ने बोला माँ को दवा देना जरूरी है, नहीं तो माँ मर जाएगी साहब। मारना नहीं साहब, मारो मत साहब, माँ मर जाएगी।
टकले तुम्ही या माझ्या बरोबर। नमस्ते पृथ्वी बेटा, मैं संभाजी यादव, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। जानता हूं, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं। पूछने की क्या बात है, खाली बैठा हूं, बैठो। कर्मयोगी कभी खाली नहीं बैठते बेटा। तुम्हारे अंदर के द्वंद्व से मैं परिचित हूं। मैं कोई सहानुभूति लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किस तरह के झूठे आरोप लगाकर तुम्हें नौकरी से सस्पेंड किया गया है। ये बात तो पूरा शहर जानता है। आप कोई नई बात करने आए तो बताइए। बेटी, जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो उससे ऐसा लगता है कि मैं किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से यहां आया हूं। मैं तो तुम्हारी ईमानदारी से प्रेरित होकर यहां आया हूं। मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख के बेटे ने जो नीच काम किया है उसकी सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। देखिए साहब, मेरी दुश्मनी ना सीएम से है ना उसके बेटे से। अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी आप अपने पास रखिए। इसीलिए तो मैं अपना पूरा सहयोग तुम्हें देना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते बाबूराव जी देशमुख ने इस राज्य को गिरवी रखा है। इस राज्य का कोष, पूरा धन उसके व्यक्तिगत उद्देश्य में नष्ट हो रहा है। और अगर मुख्यमंत्री के बेटे को इस केस में सजा हो गई तो उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने एसीपी पटवर्धन को तुम्हारी जगह पर बिठा दिया है। उसके आ जाने से यह केस खत्म नहीं हो जाएगा। मालूम है बेटा, और मुझे यह भी मालूम है कि बिना पानी की मछली की तरह एसीपी पटवर्धन क्यों तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि उस लड़की का लास्ट स्टेटमेंट तुम्हारे पास है। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह बहुत बड़े संकट की घड़ी है, इसलिए इस समय मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, यह कुरुक्षेत्र है बेटा। यह मेरा कार्ड है, जब जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना। सलाम हो। विश्वास नहीं रहा तुम्हारे भैया को, किसी पर भी नहीं। पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। ईमानदारी की भाभी, और शायद इसी की कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। नहीं आरती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे लिए मेरे पति के सुख और शांति से बढ़कर और कुछ नहीं। कुछ भी हो जाए, मुझे वही पृथ्वी चाहिए जिससे मैंने शादी की थी। वो तो हंसता खेलता मजाक करने वाला जिंदा दिल इंसान था। तुम्हें याद है आरती, शादी से पहले हमारी मेहंदी की रात। क्यों होता है
मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर। छुपी है शरारत तेरे प्यार में, दिल हार बैठे पहली बार में। पल में अपना क्यों हो जाता है कोई बेगाना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। बातों ने तेरी जादू किया, बन बैठा तू मेरा पिया। कंखन बोली चूड़ी मेरी डोली लेके आना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। आपका ना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया रे। ये नाचीज तो तुम्हारे दीदारा करने को आया साहब। सुना है आजकल बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तुमसे मिलने को, बड़ी बड़ी तसल्लियां देंगे तुमको, पर तसल्ली से पेटा तो नहीं भरता ना साहब। मेरे पेट की फिक्र मत कर इकबाल, लेकिन आजकल तेरे धंधे तो बहुत जोरों से चल रहे होंगे। हाँ मियां, वो ऐसी भी पटवर्धन एकदम मस्त आदमी होना, एकदम मस्त। वो खुद भी खाता ना और हम सबको खाने का मौका देता ना भाई। आजकल अपना धंधा तो एकदम जबरदस्त चलता मियां। ए जरा बैगा तो फेंको। क्या है ये? दाना पानी तो चलना चाहिए ना साहब, हवा पानी पीकर जिंदा रहेंगे क्या साहब? अरे एक बार ये क्या कर रहे हैं साहब? तू मुझे खरीदने आया है या अपनी दरिया दिली दिखाने आया है? पृथ्वीराज सिंह तेरे जैसे 10-20 भिखारी और उनके घर वालों का पेट पाल सकता है समझा? और एक बात, अल्लाह से दुआ करके मैं वापस तेरे इलाके में नहीं आऊं। अगर आ गया ना तो तुझे इतना मारूंगा कि जिंदगी में ईमान वाले की इज्जत करना सीख जाएगा। चल निकल यहां से, रुक। ए एसीपी, जरा तमीज़ से बात करो। ए मेरे को तमीज मत सिखा तू, तेरे जैसे कुत्ते के मैं मुंह नहीं लगता समझा? ए एसीपी, ज्यादा होशियारी नको, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। ए निकल निकल चल निकल, ए चल निकल चल चल। वो भी जानता नहीं रे इकबाला को, मैं तेरे को देखेगा रे। मुझे खरीदने आते साले। पता करना किधर आता किधर जाता है। 8 दिन के अंदर मैं साले को जिंदा काट देगा। मुझे भी लगता है उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई बोले तो अभी जाके ढूंढ डालता हूँ साले को। चुप कर अब्दुल चुप कर, उना तो मैं बीच चौराहे पर टपकाऊंगा, वो भी अगली जुमा से पहले। चौराहे पे जाने की जरूरत नहीं है इकबाल, मैं तेरे घर आया हूँ। तूने कहा था ना कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, आज मैं तुझे बताता हूँ कि शेर जहाँ भी जाता है ना उसका घर वही होता है। अगर यकीन नहीं आता है तो आजमा ले। एक बार इन हिजड़ों के दम पर तू शेर का शिकार करेगा। अगर मर्द का बच्चा है ना तो इन्हें आगे मत कर,
तुझमें कितना दम है आके बता, ताकि तेरे ये कुत्ते भी समझ जाए कि जिसके नाम से ये ताली बजाते हैं ना, उसमें कितना दम है। अजी सुनते हो मैं क्या कह रही थी? चल अंदर चल। तुम लोग कोई बीच में आना न को। इसकी एक गोली से तेरे भेजा बाहर निकल आएगा इकबाल, लेकिन मेरी दुश्मनी तेरी बीवी के साथ नहीं है, इसलिए उसके नाम पर मैं तुझे छोड़ता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद मेरी ईमानदारी पर कभी उंगली मत उठाना। ए कायर, पीठ पर गोली मारेगा क्या? अगर दम है तो छाती में गोली मार, छाती में। जाने दो ना को, इसे अपनी ईमानदारी पर बहुत भरोसा है, और जिसके पास ईमान है ना उसके साथ खुदा होना। ए एसीपी, आज ईमान की बात की है तो एक ईमान की बात भी सुनता जा। ये जो जंग तू लड़ रहा है ना, उसमें तुझे कभी मेरी खिदमता की जरूरत पड़े तो एक आवाज दे देना। ईमान की कसम इकबाल तेरा साथ देंगे। रे भाई, इसको जाने क्यों दिया? टपका डाल दे साले को। अरे नहीं रे, हम लोग तो खुदगर्जी की लड़ाई लड़ते हैं, ये ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है, और ऐसे खुददार लोगों को इकबाल सलाम करता है। ए एसीपी, सलाम करता है इकबाल तेरे को। पापा एक सजेशन दू। बको, उस एसीपी पृथ्वीराज सिंह को मरवा क्यों नहीं देते? मुंह बंद रख कुत्ते, अगर उसका एक्सीडेंट भी हो गया, अगर उसे जरा सी खरोंच भी आ गई तो अपोजिशन वाले मेरी ठास देंगे, मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। पापा मेरा क्या होगा? हरामी किया ना तू वो रेप, मजे लिए ना। हो गई मेरी गलती, क्या मैंने रेप, अब क्या करूं मैं? क्या करूं, जा जाके सड़ जेल में। बोलता है क्या करूं। पापा अब आपको ही कुछ करना होगा। वो तो करना पड़ेगा, तेरे को बचाने के साथ साथ साला मेरे को अपनी कुर्सी भी तो बचानी है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तुम्हारे घर का सर्च वारंट है पृथ्वीराज। गीता रेप केस फाइल में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। पुलिस को पूरा यकीन है कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने अपने घर में छुपा के रखे हैं। ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? इनके पास अपने घर का सर्च वारंट है। लेकिन ऐसा क्या है हमारे घर में, ऐसे कैसे सर्च वारंट लेके आए हैं? अंजलि प्लीज करो अपनी ड्यूटी। कम ऑन ऑफिसर्स, सर्च द फुल हाउस फास्ट।
लानत है तुम पे। तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज है कि नहीं? किस मुंह से तुम भैया के घर की तलाशी लेने आए हो? आरती, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी ड्यूटी है तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो ना तो अपने फर्ज को जान सका और ना ही अपनी मोहब्बत को। चले जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आरती, लो तलाशी, तलाशी लो। बेडरूम में ये बैग मिली है, खोल इसे। ये क्या है? सेंट माइकल्स। इंपोर्टेड है, रिश्वत लिए बगैर ये पहनना नामुमकिन है। क्या बात है, इस घर में कोई भी चीज इंडियन है कि नहीं? क्या कलर है? लगता है गिफ्ट में मिला होगा। ये लोग कमीनेपन और नीचता को उतर रहे हैं, तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कम से कम अब तो होश में आओ और कह दो इनसे कि हम आज ही शहर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भागूंगा मैं, नहीं भागूंगा मैं, कहीं नहीं जाएंगे हम। ये लोग जितना भी मुझ पर प्रेशर डालेंगे ना, उतना ही इरादा मेरा मजबूत होता जाएगा। ए पटवर्धन, तू सीएम के बेटे को बचाना चाहता है ना? लगा जितना भी जोर लगा सकता है। अब इस साले पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे धब्बा है तू धब्बा। इससे तो अच्छा होता कि तू सीएम के घर पे बर्तन मांजता, उसके घर में झाड़ू मारता। ए देखता क्या बे, चल तलाशी ले। लेकिन जो तू ढूंढने आया ना, वो तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगा साले सीएम के दलाल। क्या बोला तू? साले सीएम के दलाल। सीएम का दलाल? सर सर सर, हट। आज राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन दे रहे 25 निर्दलीय एमएलए ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अधिकांश विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेने का कारण बताते हुए कहा, मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर बलात्कार का केस है और ऐसे मुख्यमंत्री को हम कभी समर्थन नहीं देंगे। इसका फैसला तो अदालत करेगी कि वो दोषी है या नहीं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री का समर्थन हम हरगिज नहीं करेंगे। आज राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बाबूराव देशमुख जी से 15 दिनों के अंदर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा है। संभाजी राव यादव शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए, मेरी जय जयकार मत कीजिए। ये मत भूलो कि मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख के पास आज भी 90 एमएलए हैं और 200 एमएलए की असेंबली में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्हें सिर्फ 11 एमएलए की आवश्यकता है। साहब सही बोल रहे हैं। और इन 11 एमएलए को खरीदने के लिए बाबूराव जी देशमुख 55 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, 55 करोड़। और फिर 2 महीनों में टोल टैक्स, पेट्रोल टैक्स, आयात निर्यात टैक्स, पता नहीं और कुछ भी टैक्स लगाकर यह पैसा जनता से वसूल करेंगे। यह कोई खुशी की बात नहीं है, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ भी हो, आपकी वजह से इस राज्य को यह दिन देखने को मिला। भ्रम है ये आपका, मैंने कुछ नहीं किया है, मगर जो काम हम 3 वर्षों में नहीं कर सके वो काम एसीपी पृथ्वीराज सिंह ने 1 महीने में करके दिखाया। 1 महीने में ईमानदारी में कितनी ताकत होती है उसकी मिसाल है ये एसीपी पृथ्वीराज सिंह। आज सारे राज्य को, सारे राष्ट्र को उस पर गर्व होना चाहिए। मगर मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है, पृथ्वीराज सिंह और उसके परिवार की सुरक्षा। बराबर मना।
अंजलि, क्या हुआ अंजलि, बोलो ना प्लीज। हमने अपना बच्चा खो दिया। क्या? तुमने तो उसको उस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। वो लड़की कौन लगती थी तुम्हारी, जिसकी वजह से सब कुछ दांव पे लगा दिया तुमने? हमारा तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं था, उसकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। पृथ्वी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। बच्चा मुझे, तुम्हें तो बस अपनी वर्दी से प्यार है, अपनी ड्यूटी से प्यार है, अपनी जिद से प्यार है। हमारा क्या होगा उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो अंजलि, तुम्हारे बगैर तो मैं जी भी नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं अंजलि, देखो अंजलि, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा अंजलि। सच कह रहे हो? हाँ। तो भूल जाओ इस केस के बारे में, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग कल इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। किस आदमी से शहर छोड़ने की बात कर रही हो तुम बेटी? किसे कोस रही हो तुम? पृथ्वी को? अरे तुम्हें तो अपने पति पर गर्व होना चाहिए। देखो बेटा, भारतीय नारी आज तक बलिदान से कभी पीछे नहीं हटी। अरे तुम तो इसकी प्रेरणा हो, इसकी शक्ति हो, कमजोरी नहीं। और जहां तक तुम्हारे परिवार का सवाल है, मैं वादा करता हूं, अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला तो मैं मंत्रालय के सामने अपने आप को जला दूंगा। बेटी, अगर पृथ्वी ने इस केस से अपने हाथ हटा लिए तो कल ये सारा शहर इस भ्रष्ट तंत्र के अधीन हो जाएगा। अपने पति का साथ दो बेटी। एक पिता होकर मैं तुमसे मांग करता हूं, साले संभाजी यादव ने मेरे बेटे के केस को पॉलिटिकल इश्यू बना दिया और तुम लोग झब्बे में हाथ डाल के बैठे हो। साहब हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। कहां कोशिश कर रहे हो? चारों तरफ संभाजी यादव की जय जयकार हो रही है, पृथ्वीराज सिंह और उसकी फैमिली को मुझे प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। साला पैसा फेंकने पर भी कोई एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग अब तक? 2-3 एमएलए मिल रहे हैं सर, लेकिन उससे अपनी समस्या हल नहीं होगी। और नहीं तो क्या, संभाजी राव तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा होगा। कभी नहीं बनेगा वो साला सीएम। टीडब्ल्यूटी के 22 एमएलए यादव को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और हमारे पास अब भी 90 एमएलए हैं। अपने 46 एमएलए लेकर संभाजी यादव क्या अचार डालेगा उनका? और दूसरी बात यह है, अगर मैं सीएम ना रहा तो मैं असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश करूंगा। तब तो री इलेक्शन होगा। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? इस बार पब्लिक अपने खिलाफ है बाबूराव जी। तो क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान बस्तियों में 2-4 बम फेंको, 200-400 लोग मरेंगे, कोई दुख की बात नहीं। 2-4 पुतलों पर चप्पल की माला चढ़ाओ, मार काट होगी। कुत्ते संभाजी यादव पर मैं केस ठोक दूंगा। जब तक मेरे पास पावर है, कोई मेरे खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत सकता। और टेंशन मुझे इलेक्शन का नहीं है, मुझे टेंशन है अपने बेटे के केस का। जज ने ऑर्डर दिया 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए। मुझे हर हालत में अपने बेटे को बचाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे पृथ्वीराज सिंह की जिंदगी ही तबाह क्यों ना करनी पड़े। नमस्ते, नमस्ते। कैसे हो? ठीक। पाजी से? हाँ है। तुम पियोगे? नहीं नहीं। क्या सिगरेट पीनी कम कर दी है? हाँ, गले में दर्द रहता है। अरे काय का दर्द यार, पिया करो ना सिगरेट। तुम मेरी इतनी भी देखभाल मत करो कि मुझे शर्म आने लगे। पृथ्वीराज सिंह? अबे यार देर मत कर पृथ्वीराज। कौन बोल रहा है? ये मत पूछ कि कौन बोल रहा है, तुझे ये जानना जरूरी है कि मैं कहां से बोल रहा हूं। सुन, होटल इंपीरियल कोर्ट, रूम नंबर 406। अबे वही रूम जहां गीता का रेप हुआ था। और अभी
तेरी बहन उसी बिस्तर पर बैठी है, अगर दम है तो आके बचा ले उसे। पृथ्वी, आरती। क्या हुआ आरती को? हेलो। हाँ भाई एसीपी, मिल लिए बहन से अपनी? बास्टर्ड, जहां दिखेगा ना जान से मार डालूंगा तुझे। अभी तेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, उसकी इज्जत वैसी ही है जैसी तेरे घर में थी, छोड़ दिया उसे। लेकिन एक बात गौर से सुन ले, 5 दिन में चार्जशीट दाखिल होने वाली है अंबर की, उसके पहले वो स्टेटमेंट मुझे दे दे। अगर मेरी सीट नहीं रही, मेरा बेटा नहीं रहा, तो तेरा परिवार भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि और सब? इतना डोज बहुत हो गया एसीपी के लिए, 2 दिन में लेटर लाके देगा आपको। और अगर नहीं दिया तो? जैसा आपका हुक्म वैसा ही करेगा अपन। 3 दिन इंतजार करेंगे, फिर उड़ा देना उसकी पूरी फैमिली को और उसको भी। अगर उसने स्टेटमेंट नहीं दिया तो? अब ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने फैसला किया है कि तुम लोगों को कोई सेफ जगह ले जाऊं। कहां है वो सेफ जगह? अगर ऐसी कोई सेफ जगह होती तो दुनिया का हर इंसान वहीं जाकर नहीं रहता। एक जगह है। आओ आरती। इकबाल भाई, इकबाल भाई। अच्छा चल आओ एसीपी साहब, आओ आओ। इकबाल मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं को, सब मालूम क्या क्या हुआ तेरे साथ, लेके जा अंदर। नूरजा सुनती हो? जी। अरे भाई भाभी जान और बहन को अंदर लेके जाओ। आइए ना। जा आइए। क्या हुआ साहब? इकबाल, चार्जशीट दाखिल होने में सिर्फ 5 दिन बाकी है, तब तक मैं चाहूंगा कि आरती और अंजलि तुम्हारे घर में रहे। अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया है, बोलकर क्यों जलील ना करना चाहते हो मियां? फिक्र ना को करो साहब, भाभी माँ की तरह रहेगी ना इस घर में, और आरती बहन की तरह। लेकिन इकबाल ये बात सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए। अरे पूरे शहर को पता चल जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना साहब, अल्लाह के फजल से उसने वो आंखियां नहीं बनाई जो इकबाल पसीने के घर की तरफ उठ सके। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाईजान, अपना घर समझकर आए हैं तो खुदा पर भरोसा कीजिए, आज से भाभी और आरती की जिम्मेदारी अब हमारी है। शुक्रिया। क्या सोच रहे सीपी? यही ना कि हमारी बहन को किसने उठाया? तुम जानते हो? आओ, अन्ना पिल्ले के आदमी थे, सीएम के सारे गलीच धंधे वही सूर करता ना। ये अन्ना पिल्ले के आदमी मुझे कहां मिलेंगे? एक दिन का टाइम दो मियां, मैं तेरे को बताता वो मादर पुट्टे कहां मिलेंगे।
उतर गई ना तेरी सारी चर्बी। तुझ जैसे दो टके के पुलिस वाले को मुझे औकात दिखाना बहुत अच्छी तरह से आता है। चला निकाल स्टेटमेंट। तुझे उस लड़की के स्टेटमेंट के कागजात चाहिए ना तो वो सिर्फ तुझे अदालत से मिलेंगे। मैं सिर्फ तुझे इतना कहने आया हूं कि तेरे भड़वे जिस हालत में पड़े हैं ना वो अपने घर तक भी नहीं जा सकते। तू अपनी ताकत उनको लाने के बंदोबस्त में लगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूं बाबूराव, मुझसे दूर रह। तेरा बेटा रेपिस्ट है और उसे सजा दिलाना मेरा धर्म है। जिस तरह आज मैंने तेरे भड़वे लोगों को नंगा किया है ना उसी तरह आज से तीन दिन बाद मैं तुझे और तेरे बेटे को भरी अदालत में नंगा करूंगा। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे बाबूराव। क्या हुआ पापा? तेरे को कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? कहते हैं रेप करने के लिए। कुत्ते मेरे को बोलता मैं वो उनकी लाइन लगा देता। सॉरी पापा, गलती हो गई। सॉरी बोलता है। ए, तुम लोग क्या तमाशा देखते बैठे इधर? चलो खड़ा जाना जी। अच्छा सर। सर आपसे कोई मिलने आया है? अरे मुझे नहीं मिलना किसी को आज, बोल दो कल आ जाएं। सर वो अपने आप को इकबाल पसीना का राइट हैंड बताता है। ये पेपर मैंने अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखे है साहब, आप आपकी जिम्मेदारी है, छोड़ना नहीं उनको। थैंक यू गोपी। गाली दे रहे क्या कर रहे? जरूरत नहीं, अभी पटवर्धन साहब आया ना, अपना जेब हमेशा भरा रहता है। निकलो। हाँ जा। छोड़ना नहीं हो। क्या हुआ अविनाश? मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है सर, रिजाइन कर दिया मैंने। लेकिन क्यों? मैं वर्दी पहनकर रिमोट कंट्रोल से चलने वाला खिलौना बनकर नहीं रह सकता सर। जिस डिपार्टमेंट के सीनियर्स नेताओं की गुलामी करते हैं उनके अंडर में काम नहीं कर सकता। ये तुमने अच्छा नहीं किया अविनाश। क्या मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है? क्या मैंने अपने हथियार डाल दिए? मैं एक आम इंसान हूं सर और वही रहूंगा। बचपन में माँ बाप का प्यार तो खो चुका, लेकिन इस नौकरी की वजह से आरती को नहीं खो सकता। क्या बात है सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ बैठ। इतने दिनों से मेरे सिर के ऊपर जो नंगी तलवार लटकी थी ना, आज उतर जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं सर। तावड़े, आज इकबाल पसीना के घर पे अन्ना पिल्ले अपने आदमी को लेकर अटैक करेगा, पृथ्वीराज सिंह की बीवी और बहन को मार देंगे। जब बीवी और बहन मर जाएंगी तो सारा पृथ्वी अपने आप ही सुसाइड कर लेगा। मेरे साथ टेंशन खत्म हो गया रे। समझा तावड़े? सर मुझे थोड़ा घर जाना है। क्यों? फोन आएगा ना, आया था ना। जा। थैंक यू सर। आप हंस क्यों रहे हैं सर? मेरा निशाना बिल्कुल ठीक जगह पे लगा है। ए बेवड़ा गोपी, पृथ्वीराज सिंह का चमचा है, उसका खास आदमी, उसे खबर देने गया ये। जबकि सच बात तो ये है कि आज फील्डिंग पृथ्वीराज सिंह के लिए लगेगी। जैसे ही पृथ्वी अपनी बीवी और बहन को बचाने के लिए इकबाल पसीना के घर जाएगा, डॉक में अन्ना पिले और उसके आदमी उसे टपका डालेंगे। हाँ गोपी बोल, कैसे फोन किया? वो अन्ना पिले के आदमी है ना, वो भाभी और बहन को खत्म करने के लिए इकबाल पसीना के घर जा रहे हैं। आप बचा लो इनको। मैं इंस्पेक्टर तावड़े बोल रहा हूँ इकबाल भाई। क्यों रे कुत्ते, आज मेरे को फोन आ कैसे किया? पृथ्वीराज सिंह को ये खबर दिलवाई गई है कि अन्ना पिल्ले और उसके आदमी तुम्हारे घर पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि टॉक्स के रोड पर अन्ना पिल्ले और उसके आदमी पृथ्वीराज सिंह का ही गेम बजाने वाले है। मैं मानता हूँ मैं कमीना, लेकिन नमक के साथ कोई नमक नहीं खाता।
एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की जान का दुश्मन कभी नहीं होता इकबाल भाई। हाँ, तू मेरे को बोल के बहुत बड़ी मेहरबानी किया। जिंदगी रही तो तेरा एहसाना चुका दूंगा तावड़े। हाँ चलो मेरे साथ। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, अब पृथ्वीराज की तबीयत कैसी है? ओह, ही इज आउट ऑफ डेंजर, मगर उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज। क्या हो रहा है ये सब? बाबूराव देशमुख अपने बेटे की रक्षा करने के लिए इतना नीच काम कर रहा है? पृथ्वीराज सिंह पर गोली चलने का मतलब है इस देश में नेक, निष्ठावान और ईमानदार लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबूराव देशमुख ने प्रजातंत्र पर आघात किया है, आघात। अरे मुख्यमंत्री होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर जाए कि लोगों को उन्हें इंसान कहने में शर्म महसूस हो। वाह यादव जी वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। ए बसरे, किसी बात को पॉलिटिकल रंग देना तो कोई तुमसे सीखे। मैं तो बेवकूफ हूं, पिछले 3 साल से इस स्टेट को चला रहा हूं। मुझे इतनी अकल नहीं है कि मैं उस अफसर को मरवाऊंगा जिसके पास मेरे बेटे का केस है। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो? तुम्हें कुर्सी चाहिए ले लो, मुझे कुर्सी से कोई लगाव नहीं है। लेकिन एक बेकसूर बच्चे के बाप को बदनाम मत करो। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मेरी फैमिली की तरफ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। संभाजी राव जय हो। तुमने जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज के लिए मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। मेरे पत्रकार साथियों, अभी अभी संभाजी ने मेरे बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें जरूर छापो, लेकिन साथ ही यह भी छापो कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर एसीपी पृथ्वीराज सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। मुझे वो हत्यारे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ही पृथ्वीराज जी के डॉक्टर हैं? हाँ सर। मैं उन्हें मिल सकता हूँ? हाँ सर, आप उन्हें मिल सकते हैं। श्योर, बट प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम। थैंक यू सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत होशियार और चालाक आदमी है ये। कैसे हो बेटे? पता चला कि अन्ना पिल्ले ने तुम्हें गोलियां मारी। होशियार है, दाई तरफ। मैंने उसको बोला था तेरे को जान से नहीं मारना। एक बात का ख्याल रखना, वो स्टेटमेंट 2 दिन में मेरे को नहीं मिला तो यहां तेरे साथ तेरे पूरे परिवार का पोस्टमार्टम एक साथ करवाऊंगा। समझ गया ना? चलता हूं। और क्या कहते हैं वो टेक केयर। साइड प्लीज, साइड हो जाइए जरा प्लीज। पृथ्वी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या कहकर गया वो? धमकी देकर के कह रहा था कि वो मेरी पूरी फैमिली को मार डालेगा। इस युद्ध में मैं हार गया हूं बेटा, हार गया हूं। अगर इतनी जल्दी आप हार मान जाएंगे सर तो फिर आम आदमी का क्या होगा?
मैं भी तो एक आम आदमी हूं बेटा, आम आदमी। आपको ईमानदार वकील सजेस्ट कर सकते हैं सर, जो परसों कोर्ट में जाकर वो स्टेटमेंट दाखिल कर सके। किस वकील पर विश्वास करोगे बेटा? करोड़ दो करोड़ में वो सौदा करेगा उस स्टेटमेंट का सीएम के साथ। एक काम हो सकता है, जिस दिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सर ये सलूशन नहीं हो सकता सर। एक मार्ग है बेटा, एक मार्ग है, ये स्टेटमेंट मैं खुद अदालत में ले जाऊंगा। इसमें तो आपकी जान भी जा सकती है सर। मैं चला गया तो क्या होगा बेटा? जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस देश में मौजूद हैं, संभाजी यादव को शहीद होने में कोई दुख नहीं होगा। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं उस लड़की की स्टेटमेंट अदालत तक पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा। ये संभाजी राव अगर हरामी है तो मैं उससे भी बड़ा कमीना हूं। मीडिया का खेल संभाजी को बहुत भारी पड़ेगा, मीडिया थूकेगी संभाजी राव यादव पर। आज बोलती बंद कर दी कुत्ते की। साहब संभाजी राव यादव आपसे मिलने आए हैं। साला मरेगा नहीं कुत्ता, नाम लिया हाजिर, जा बुला उसको। जी साहब। साहब ये संभाजी का इस वक्त आने का मकसद क्या हो सकता है? बहुत चालाक कुत्ता है वो यहाँ गार्डन में घूमने नहीं आया। वो इतना कमीना है कि फालतू में अपनी अर्थी पर भी नहीं लेटेगा। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं बाबूराव देशमुख जी? मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे बाबूराव जी? अरे तेरे को तो तेरी माँ के पेट से ही कुर्सी पे बैठ के आना चाहिए था रामी। मैं नहीं बोलूंगा तो नहीं बैठेगा, बैठ बैठ जा। शुक्रिया। मातम मनाने आया? मातम मनाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। इस गरीब बेचारी जनता को और ज्यादा पीसने का क्या अर्थ है बाबूराव जी? तो तू मुझे समझाने आया है। अच्छा बोल क्या पिएगा? दारू ठंडा के चाय? आप जो पिएंगे वही मैं ले लूंगा। हाँ कदम। यस सर। दो कप चाय भेजना मलाई मार के। ओके सर। बोल किस लिए आया? देखिए बाबूराव जी, आपके पास 90 MLA हैं। आपने सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन 11 MLA खरीदने में आपको सफलता नहीं मिली। तो तू क्या 46 MLA लेके CM बनेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ बाबूराव जी कि अगर मैंने अपने 46 MLA को लेकर आपको समर्थन दे दिया तो क्या आप मुझे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद दे सकेंगे? साला कैसे रंग बदलता है रे? मैं गटर के किनारे बैठे खुजली वाले कुत्ते को डिप्टी CM बना दूंगा पर तेरे को कभी नहीं। तो फिर अंबर के बारे में विचार करो बाबूराव जी, कानून और उसके बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। बेटे का नाम लेकर ब्लैकमेल कर रहा है? मैं पृथ्वीराज और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा पर तेरे साथ समझौता नहीं करूंगा। तो क्या उसके बाद आप मुख्यमंत्री पद पर रह पाएंगे? अरे 3 दिन में लोग भूल जाएंगे। इस देश में महात्मा गांधी मारे गए, क्या हुआ? बड़े बड़े नेता टपका दिए गए, क्या उखाड़ लिया जनता ने? जन्मदिन पर समाधि पर चले जाते हैं, मरण दिन पर फूल चढ़ाकर कीर्तन करते हैं। तू डिप्टी CM बनने का सपना छोड़ दे। बाबूराव जी आप मुख्यमंत्री पद का इतना मोह क्यों रखते हैं जो जनता 2 साल के बाद आपसे छीन लेगी? जरा सोचिए बाबूराव जी, अगर हम दोनों की शक्ति और विचारधारा एक हो जाए तो न जाने कितने वर्षों तक हम दोनों मिलकर जनता की सेवा करते रहेंगे। साला तू पूरा सुअर है, गू खा के रहेगा। तू एक बात बता यार, तेरे को डिप्टी बना के मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरी कुर्सी बचेगी ना, मेरा बेटा तो लटक जाएगा। नहीं बाबूराव जी, आपका बेटा मेरे लिए राष्ट्र की संपत्ति है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये देखिए, ये उस लड़की की पुलिस फाइल की जेरोक्स कॉपी है, उसकी स्टेटमेंट के साथ, अच्छी तरह से देख लीजिए। साला तू मेरे साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहा है,
ये फाइल तेरे पास कैसे आई? बाबूराव जी, आप चीफ मिनिस्टर हैं, पर मुझसे एक्सपीरियंस में कम है। आपने जोर जबरदस्ती की इस फाइल को हासिल करने के लिए, और मैंने प्यार मोहब्बत से पृथ्वी से यह पाली। जिस दिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ लूंगा, उस दिन इस फाइल की कॉपी और ओरिजिनल स्टेटमेंट दोनों जला डालूंगा, अपने देश की कसम। साले, तू बहुत घटिया इंसान है। अब आधी कुर्सी तेरे को देनी पड़ेगी। तो क्या चाय पी के ही सेलिब्रेट करेंगे? साला हरामी। कदम। यस सर। चाय कैंसिल, एक ब्लैक लेबल दो गिलास भिजवा दे चकने के साथ। दोपहर में पियेंगे सर। तो तेरे को पूछ के पीना पड़ेगा क्या गधे? सॉरी सर। अब तेरे को क्या हुआ बुड्ढे? एक बात की टेंशन है बाबूराव जी। अब कौन सा टेंशन रह गया रे? पृथ्वी पर हमला करने वाला अगर पकड़ा नहीं गया तो पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी दोनों को डिसमिस करने का दावा किया था आपने मीडिया के सामने, उसका क्या होगा? तू बस देख। पटवर्धन, तेरे एसीपी कैसा? ठीक है, जिंदा है। अबे जिंदा रखने के हिसाब से तो मारा था उसे। अच्छा वो सब छोड़, मेरे को काय को बुलाया इधर? हाँ, बाबूराव जी ने तुम्हारे लिए भेजा है। वाह, क्या पीस है? संभाल के, लोडेड है। अबे बोलने को नहीं होता क्या? चलू मैं? चल। क्यों पूछता है साला? बाबूराव जी को जानता नहीं क्या? क्या हुआ अंजलि? पढ़ लो। नहीं पृथ्वी, आंसू मत बहाओ। आंसू बहाने का हक तुम खो चुके हो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हमने भी बहुत आंसू बहाए। आरती की इज्जत लुटते लुटते बच गई। मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी। इन सब की कीमत तुम्हारे आंसू नहीं हो सकते पृथ्वी। हमारे घर का सब चैन, हमारी खुशियां सब छीन लिया इन लोगों ने। जाओ उनके पास, जाकर इस बात का जवाब लेकर आओ, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया ये सब? हेलो, उप मुख्यमंत्री संभाजी यादव बोल रहा हूं। मैं पृथ्वीराज सिंह बोल रहा हूं। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्यों किया तुमने ये सब? देखो बेटा, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया है। मैं समझाऊंगा ना तुम्हें। सुन लो बेटा, मैं समझाऊंगा तुम्हें। तो समझाओ। नहीं देखो, ऐसे नहीं, मैं और बाबूराव जी दोनों मिलकर तुम्हें बताएंगे। पहले तुम ठीक तो हो जाओ। नहीं, मैं आज ही तुमसे मिलना चाहता हूं। अच्छा तो ठीक है, आज शाम को 6 बजे मलबार हिल की गवर्नमेंट सर्किट हाउस पर आ जाना। हाँ ठीक है। क्यों, पृथ्वीराज सिंह का फोन था? हाँ। ये साली ईमानदारी भी बड़ी घटिया चीज होती है। नहीं, अब उस सुअर का गुस्सा भी ठंडा करना पड़ेगा।
अब क्या करें, समाज की सेवा करने का झंडा जो उठाया हमने, बंबू कभी कभी तो लगेगा ही, क्यों? कहा था ना वो आएगा, आओ पृथ्वी बिठाओ। ए दरवाजा बंद कर, किसी को आने मत देना मुझड़। क्यों किया ऐसा तुमने? अरे बेटे, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। तुम्हारी सुरक्षा के सारे मार्ग बंद हो चुके थे, किसी भी समय तुम्हारी हत्या होने वाली थी, और फिर तुम्हारा परिवार भी धोखे में था, इसलिए मुझे बाबूराव जी से समझौता करना पड़ा। कैसा समझौता? देखो, बाबूराव जी ने मुझे वचन दिया है कि आज के बाद वो तुम्हारे किसी भी मामले में दखल नहीं देंगे। लो, ना ही वो तुम्हारे प्रगति के रास्ते पर कोई रुकावट डालेंगे। वो कैसे? कल तुम्हारे टेबल पे वो गवर्नमेंट की नोटिस आ जाएगी कि यू डिड नॉट हैव एनी हैंड इन दैट इनोसेंट बॉयज मर्डर। तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी, और एक महीने के अंदर तुम, एक महीना नहीं रे, 25 दिन। हाँ? 25 दिन में तू डीसीपी बनेगा पृथ्वीराज सिंह। हाँ? जवान। अच्छा है, लेकिन उस लड़की को इंसाफ दे दिया। अंबर। हाँ? टकले को बोला। जी बाबा। देखो बेटा, मैं राक्षस नहीं हूँ, हम में भी इंसानियत है, क्या कहते रहे उसको, हमन हुमन ह्यूमैनिटी है। नमस्ते, आपने बुलाया मुझे। बाबा, आप इधर। 25 लाख दिए हैं इसको, 25 लाख। हाँ, और 10% का फ्लैट वर्सोवा में, इन द हार्ट ऑफ द सिटी। बाबा तुम भी? अब बात बढ़ाने से क्या फायदा होगा बेटा, मेरी बेटी तो चली गई, वापस तो नहीं आएगी। इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, चैन से बुढ़ा पकड़ जाएगा, मेरा बेटा भी पढ़ लिख लेगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई केस नहीं लड़ना है बेटा। शाबाश, जाओ तुम। अच्छा पृथ्वी, तू भी छोड़ दे अब इस केस को, माफ कर दे इस लड़के को। ए हरामी, क्या बोल रहा था रे, बोल इसके सामने। सॉरी सर, लाइफ में किसी इनोसेंट लड़के का रेप नहीं करूंगा। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया यहां? अरे नहीं बेटा, नहीं। देखो बेटा, हम प्रैक्टिकल हैं। आज हजारों रेप हो रहे हैं भारत में, कौन पकड़ा गया है, एनीबडी है? तो फिर तुम क्यों अंबर के पीछे पड़े हो? अरे गरम खून है, गलती हो गई उससे, अब उसे सुधारने का मौका तो दो, क्यों? देखो, तुम्हारे केस से असेंबली डिसॉल्व हो जाती, फिर इलेक्शन, अब पब्लिक जो पहले ही महंगाई से मरी पड़ी है, उस पर फिर से इलेक्शन के खर्चे का बोझ, क्या अकलमंदी होती? हाँ बेटा, अगर एक मामूली केस की बलिदान से इस देश की जनता का बोझ कम होता है, तो ऐसे समझौते में क्या बुराई है? व्हाट इज द हार्म इन इट? बेशर्मो, तुम्हारे जैसे लोग जब तक पावर में रहेंगे, इस देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती। तुम देश का उद्धार करोगे? अपने बारे में सोचो पृथ्वी बेटा, अपने बारे में सोचो। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो तुम, मुझे भी तुम लोगों के जैसे सोचना चाहिए। मेरे हाथों में पैसा हो, गाड़ियां हो, मेरी बीवी के पास ढेर सारे गहने हो, यही ना? अरे वही तो हम तुम्हें समझा रहे थे। लेकिन मैं अपने जमीर को क्या जवाब दूंगा, अपने आप को आईने में कैसे देख पाऊंगा मैं? मेरा जमीर मुझे धिक्कारेगा। अरे जिस लड़की का बलात्कार हुआ, जब उसके बाप को कोई दुख नहीं है, तो फिर तुम क्यों अपने दिमाग की वो परेशानी बढ़ा रहे हो? हाँ? ये आत्मा की पुकार, जमीर की आवाज, ये सब किस्से कहानियों में होता है। हाँ? आज इसका कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारा जमीर मर गया है, मेरा नहीं। आज मैं जो करने जा रहा हूं, उससे इस देश के सिस्टम में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ना ही इस देश से भ्रष्टाचार जाने वाला है। मगर पृथ्वीराज सिंह पूरी जिंदगी सर उठाकर जिया है,
और हमेशा सर उठाकर जिएगा। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मैं तुम्हारी इस गंदी सिस्टम का हिस्सा नहीं। मूर्ख हो तुम पृथ्वी, मूर्ख हो। आज दशहरा है और आज के दिन रावण को जलाया जाता है, और हम इस युग के रावण हैं। हाँ, और इसीलिए तुम्हें जलाना जरूरी है। आवाज नहीं सुनेगा तुम लोगों का, समझा? थे जनता के इल्जामात और मुलजिम पृथ्वीराज सिंह की सफाई। अब वक्त आज की कार्रवाई पर जनता के जज बीवी राव के फैसले का। इस अदालत को पृथ्वीराज सिंह से हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं उन्हें निर्दोष करार नहीं दे सकता। नहीं, पृथ्वीराज सिंह निर्दोष है। पृथ्वीराज सिंह बेगुनाह है। हाँ हाँ, वो बेगुनाह है। गिल्टी। हाँ हाँ, पृथ्वीराज सिंह निर्दोष है। बेगुनाह है। पब्लिक की भावनाओं की कद्र करते हुए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इस केस को सहानुभूति की नजर से देखा जाए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।